बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने YouTube और Facebook प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। डियर व्यूअर्स, ये चैनल आपका अपना चैनल है, डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर का एक ट्विट हमारा हैंडल है इस पर, इंस्टाग्राम पे भी डॉक्टर डॉट एम अली एस्ट्रोलॉजर, अगर उसको भी आप फॉलो कर लें तो आई विल बी मोर देन थैंकफुल टू यू। और दूसरा ये कि अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इस चैनल पर पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को काइंडली लाइक कर लीजिए, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि इस काम में कोई और भी बेहतरी हो सकती है तो आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो हैं वो प्लीज़ दें। और इसके अलावा आपके अगर कोई अपने अपना कोई ज़ाती एक क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में अपना नाम, तारीख़ पैदाइश, वालिदा का नाम और अपना क्वेश्चन, वो आप जो है इसके अंदर कमेंट सेक्शन में दें। मैं आपके क्वेश्चंस को न्यूमरोलॉजी से या फिर टैरो कार्ड से मैं आपके क्वेश्चंस को इंशाल्लाह आंसर करूंगा। और वीडियो अगर पसंद आती है तो शेयर भी कर लीजिए इसको। और इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाह रहे हैं जायचे की, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से या इल्मे जफर से, तो ये मेरे नंबर्स जो हैं दो फ्लैश कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, आप इन पर कॉन्टेक्ट करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मेरे से कंसल्टेशन जो है वो ले सकते हैं। और दूसरा ये कि रंग, रोशनी, खुशबू और सबसे ऊपर कुरान पाक से जो है आपके जो भी समाजी मसाइल हैं, मौशी मसाइल हैं, कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, उनका अगर हल आप चाह रहे हैं, कोई उसके अंदर कंसल्टेशन चाह रहे हैं, तो एक पेड सर्विस है, उसके ज़रिए आपकी जो कंसल्टेशन है वो मैं आपको दे के जो आपके मामला हैं उनको कोशिश करेंगे कि हील किया जाए अल्लाह की मदद लेके। स्कॉर्पियो के ऊपर, स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब जो है उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स का बायस बन सकता है ये अरसा प्लूटो एंड एक्वेरियस जो है, और उनके लिए क्या पॉसिबल डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं मैं अपनी रीडिंग आपको देता हूँ। और इसके अलावा क्या प्रिकॉशंस जो हैं उनको करने चाहिए जिनसे जिनको करके वो इन मुश्किलात से अल्लाह ताला के हुक्म से बच सकते हैं। तो आपके लिए स्कॉर्पियंस के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि जिनका जिनका जो है ना ज़ोडियक साइन वो स्कॉर्पियो है, अक्रब है, या जिनके असेंडेंट जिनका असेंडेंट जो है वो अक्रब है, या जो पैदा हुए और आपका जो बुर्ज तुलू हो रहा था उस वक्त अगर वो भी अक्रब है तो ये वीडियो आपके लिए है। और दूसरा ये है कि जिन लोगों के नाम बुर्ज अकरब से मंसूब हरूफ के साथ होते हैं ये उनके लिए भी है। अच्छा, अब हम ये बात करते हैं कि प्लूटो जो है ना बेसिकली एक ऐसा प्लैनेट है कि जो तब्दीली, ट्रांसफॉर्मेशन का प्लैनेट इसको कहा जाता है, तगैर और तबदल का प्लैनेट जो है इसको कहा जाता है। ये जब राइज होता है ना तो अमेरिकन रेवोल्यूशन भी आया था, जब भी प्लूटो राइज हुआ था ना 1778 में, फिर वो आप 1798 तक ये रहा। अमेरिका में बहुत सारी चीज़ें देखने में आई, आयरलैंड में बहुत सारी चीज़ें देखने में आई, जी चीज़ें यानी चेंज हुई। इसके अलावा फ्रेंच रेवोल्यूशन की मैं बात करता हूँ, ये आया। और दूसरा ये कि लोगों का रहन सहन, तर्ज ज़िंदगी जो है, ख्यालात, सोच, फिक्र का अंदाज, वो सब चेंज करता है प्लूटो। अल्लाह का हुक्म होता है इसके अंदर, अल्लाह ताला का निज़ाम का हिस्सा है ये। तो प्लूटो जब एक्वेरियस में आता है ना तो ये करता ये है कि ये चेंज करके फिर सिलसिले को चला देता है, क्योंकि एक्वेरियस का निशान है पानी का, बहते हुए पानी का, तो ये फिर आगे बहाव बना के ले जाता है। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं स्कॉर्पियो वालों के लिए कि कुछ मिसाल के तौर पे कुछ तलख यादें अपनी फैमिली से जुड़ी हुई जो हैं वो आपकी जो हैं वो ब्रिम अप होती हुई नज़र आएंगी, यानी वो उभरती हुई नज़र आएंगी। कुछ ना कुछ आपकी मतलब इमीडिएट फैमिली या क्लोज जो रिलेटिव्स हैं उनकी तरफ से इस दौरान
आपको बहुत सारे सबक जो हैं वो सीखने को मिल सकते हैं बिजनेस के हवाले से। जो लोग मिसाल के तौर पे फैमिली बिजनेस में है स्कॉर्पियो, उनके लिए बहुत सारे सबक जो हैं इस लिहाज से होंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनके मतलब की या उनके फ़ायदे की मुमकिन है उनकी फैमिली की तरफ से ना की जाएं। मगर अल्टीमेटली देखिए ये कुदरत का सिस्टम है कि अगर एक वक्त में कोई चीज़ प्रॉब्लम देती है तो आगे जाके कुदरत हमें उसी चीज़ को बेनिफिट में कन्वर्ट कर देती है। तो ये चीज़ वक्ती तौर पे होगी, घबराने की तो ज़रूरत इसके अंदर नहीं है। कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने इस दौरान अपनी नई फैमिली शुरू करनी है या कर चुके हैं, उनको फैमिली को बनाने के अंदर मुश्किल आ सकती है अपने ही फैमिली मेंबर्स की तरफ से, अपने ही अजीज़ व अकारब की तरफ से, दोस्तों की तरफ से। ख़ास तौर पे मैं क्लोज़ फैमिली रिलेशन से जो है ना वो बात करूँगा, क्योंकि उनके हवाले से बात करूँगा, क्योंकि स्कॉर्पियो का मेन ट्रॉमा जो है वो यही रहता हुआ नज़र आता है। ये बड़ा हैवी लगता है बात करने में बहुत सारे तरीक़ों से, मगर ये है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर आएगा, मगर ये आपको साथ साथ जो है ना पे ऑफ करता जाएगा, आपको बताता जाएगा कि ये चीज़ असल में आपके बेनिफिट्स के लिए, आपके मुख्तलिफ फ़ायदों के लिए चीज़ जो है ये होती हुई नज़र आएगी। अच्छा, फिर कुछ ऐसा मतलब आपके ऊपर प्रेशर आ सकता है कि आप अपने फैमिली मेंबर्स को बड़े इमोशनल वे में डील करें कि जो आपके ज़िंदगी के ट्रॉमा के अंदर, प्रॉब्लम के अंदर इन्वॉल्व्ड हैं। अपने बहन भाई भी हो सकते हैं, अपने कजन्स भी हो सकते हैं। ये जो मामला है ना 20 साल का इसका प्लूटो इन एक्वेरियस, ये इसमें मुख्तलिफ एपिसोड्स आएंगे और लोग जो हैं स्कॉर्पियो वाले वो बहुत सारी चीज़ें अपनी अपनी फैमिली से अलहदा लेके जाते हुए नज़र आएंगे। और जिन लोगों ने मिसाल के तौर पर अपनी फैमिली अपनी स्टार्ट करनी है या कर चुके हैं कुछ अर्सा पहले, उनको भी अपनी जो इमीडिएट फैमिली है उससे सेपरेशन का मामला जो है वो आता हुआ नज़र आता है। और अपने सही वाले घर में यानी बैठने का चांस वो ऐसे ही अराइज होगा स्कॉर्पियो के लिए कि जब फैमिली की तरफ से इमीडिएट फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम्स आएंगी, ये लोग फिर सोचेंगे, ये एक सोच का प्रोसेस है उसको फॉलो करके अपनी एक अलहदा डोमेन जो है ये बनाते हुए नज़र आएंगे। हाँ, इमोशनली हर्ट ज़रूर होंगे, मगर सोशली ये स्टेबल होंगे और फिर इमोशंस के ऊपर भी जो डैमेज कंट्रोल है वो कर लेंगे ये लोग। अपनी टर्म्स और कंडीशंस जो है वो कोशिश करें स्कॉर्पियो वाले अपने इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को डिक्टेट ना करवाएं, खासतौर पर जो एल्डरली लोग हैं आपसे उनके साथ तो बिल्कुल आपने स्ट्रेट कोशिश करें कि ना हो, मगर अनअवॉइडेबल होगा। तो आप लोग जो हैं बॉर्न लीडर्स होते हैं, तो आप लोग जो हैं वो मुमकिन है कि स्ट्रेट हों, जिसका नुकसान आपको जो है वो ये हो सकता है कि आपको बहुत सारी फैमिली से रिलेटेड चीज़ों से अलहदा कर दिया जाए। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जो मैरिड लोग हैं ख़ासतौर पर स्कॉर्पियोज, उनको भी मैं ये कहूँगा कि जो अपने लाइफ पार्टनर्स हैं उनके साथ कोई इलॉजिकल जो है ना रीजनिंग, उसकी बेस के ऊपर बातचीत जो है वो ना करें। यानी ऐसी चीज़ जो लॉजिक पे बेस ही नहीं करती है, आपको गुस्सा है किसी बात पे और आप कोई चीज़ तारी करना चाह रहे हैं अपने लाइफ पार्टनर पे, तो स्कॉर्पियोज की जो लाइफ पार्टनरशिप है या जो ये रिलेशन है आपका, ये खुदा ना खास्ता ख़राब हो सकता है। क्योंकि इमेंस किस्म का प्रेशर जो है बहुत सारी सिचुएशंस में आप फील कर सकते हैं स्कॉर्पियो वाले रिलेटेड टू योर फैमिली, ठीक है, उसमें इमीडिएट फैमिली भी आ जाती है, उसमें कजन्स भी आ जाते हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं वो भी आते हैं। ये है कि फैमिली वैल्यूज़ जो हैं वो ख़राब होने के खुदा ना खास्ता चांसेस हैं, फैमिली रिलेशंस जो हैं तो उसको अवॉइड आपने यही करना है कि आपने जब भी अपने ऊपर प्रेशर फील किया कि कोई इस तरह की चीज़ आ रही है, आपको कोई कंपेल कर रहा है, कोई आपको प्रोवोक कर रहा है कि आप बोलें, बात करें, मतलब आप बर्स्ट आउट करें अपने वर्ड्स को, तो आपने एहतियात करनी है। आपने वहाँ पे अगर आपने वीडियो देखी है, आपने चीज़ ले आनी है दिमाग में कि हाँ एक चीज़ बताई गई है, गाइडलाइन दी गई है,
ये वही टाइम है जिसको हमने अवॉइड करना है। और वहां पे फिर आप जो हैं वो ये कर सकते हैं कि आप अपनी अपनी दीन के हिसाब से, मजहब मसलक के हिसाब से अपनी मेडिटेशंस जो हैं, इबादात जो हैं, रियाजात वो आप कर सकते हैं, और अपने आप को कूल डाउन जो है वो कर सकते हैं, सुकून में रहें। कोशिश ये करें कि ऐसे फेज में जब आप आए तो आप ब्लू कलर जो है, स्काई ब्लू कलर, उसको वियर करें। जब आप फील कर रहे हैं ना कि एक मेंटल प्रेशर जो है वो इन दिनों मेरे ऊपर लग रहा है कि तारी हो रहा है, रिश्तों को लेके, खास तौर पे फैमिली से रिलेटेड या काम से रिलेटेड, जो फैमिली के साथ रिलेटेड काम है उनसे रिलेटेड अगर मामलात में कोई प्रेशर फील हो रहा है, तो उस उन दिनों में कोशिश ये करें कि स्काई ब्लू कलर जो है वो वियर करें। और या आप अगर चाहें तो आप मतलब ये है कि किसी दूर दराज जगह पे ऐसी पे चले जाएं, अगर आप अफोर्ड करते हैं, जहाँ पे समुंदर करीब है, आप वहाँ पे बैठे जाके पानी जो है उसके करीब रहने की कोशिश करें, अगर आप अफोर्ड करते हैं तो। ये मैं मतलब सबके लिए नहीं, और या फिर ये है कि पानी जो है वो आप पी सकते हैं, जो ड्रिंक्स हैं यानी सॉफ्ट ड्रिंक्स आप जो पसंद करते हैं वो लें। मगर ये है कि चीज़ें जो हैं वो जाएंगी इस तरफ, आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा कि आप बॉर्न लीडर्स हैं, आप लोगों ने इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को लेके चलना है। इस तरीके से ज़िंदगी जो है वो आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाएगी, इस तरह से कि आपकी जो तुंद और तेज़ तबीयत है आप उसको कंट्रोल में लेके आएंगे, ख़ास तौर पर रिश्तों के हवाले से। जब इसको ट्रेन करेंगे ना रिश्तों के हवाले से अपने आप को, तो ओवरऑल भी जो आपकी ज़िंदगी का ट्रॉमा है ना कि आप एकदम मतलब बर्दाश्त करते 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 एकदम वो रिएक्ट कर बैठते हैं, इसकी ट्रेनिंग भी आपकी जो है वो होगी इंशाल्लाह ताला। इसके लिए मैं कुछ, एक तो मैंने प्रिकॉशन आपको एक तो कलर का बता दिया, दूसरा ये है कि ब्लू सफायर अगर आप पहनना चाहें, अगर आपको सूट करता तो ज़रूर पहने। और दूसरा जो मेडिटेशन है वो मैंने आपसे कही है, दुरूद पाक की कसरत जो है वो आप करें। इसके अलावा अगर आप सदकात देना चाहें तो नीले रंग का जो कपड़ा है वो आप बतौर सदका, जो है सदका जो है वो रद्दे बला होता है। जब भी आप फील करते हैं कोई प्रेशर इस तरह का है, तो एक तो दुरूद पाक पढ़ें ब्लू कलर, और दूसरा ये कि ब्लू कलर का जो कपड़ा है उसका सदका आप ज़रूर दें। इसके अलावा अगर आप चाहें कि कोई और एडिशन इस वीडियो के अंदर होना चाहिए था, तो कमेंट सेक्शन के अंदर प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश ये करूँगा कि कोई और काम बेहतर हो सकता है तो उसको किया जाए इंशाल्लाह ताला। यकीन है मुझे इंशाल्लाह ताला कि आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आएगी। अपने कमेंट्स में बताइएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।